जिला गाजियाबाद के साहिबाबाद से मोहन नगर की ओम नगर कॉलोनी से शनिवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई महिला का शव बागपत में मिला है। महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। पीड़ित पति ने दो लोगों पर पत्नी को गायब करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी। साहिबाबाद पुलिस बागपत पुलिस की मदद से जांच में जुटी है। मोहन नगर की ओम नगर कॉलोनी में प्रमोद शर्मा परिवार के साथ रहते हैं। वह डीलिंग का काम करते हैं। उनका 15 साल का बेटा भी है। शनिवार शाम करीब 7:30 बजे उनकी पत्नी रिया शर्मा 35 वर्षीय स्कूटी लेकर घर से साहिबाबाद स्थित अम्बे अस्पताल में किसी को देखने गई थी। रिया घर से हॉस्पिटल जाते हुए सीसीटीवी में दिखाई दे रही है। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि रिया अपनी स्कूटी लेकर घर से जा रही थी, लेकिन देर रात तक रिया घर नहीं पहुंची, तो पति ने उनकी तलाश की। ये महिला की एक डेड बॉडी की सूचना है, ये क्या पूरा मामला है जो ओम नगर का है? ये 23 तारीख को थाना साहिबाबाद क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उनकी पत्नी जिनका नाम रिया शर्मा है, वो घर पे ये बताते गई है कि वो दो लड़कों के साथ जा रही है। इस संबंध में थाने पे 498 दर्ज की गई थी। दो दिन बाद थाना खेतरा से ये सूचना मिली कि वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है, जिसमें उस महिला की शिकायत रिया शर्मा के नाम से हुई। हमने थाना पेटरा पुलिस से संपर्क किया है और वहाँ से सारे तथ्य हम लोगों ने मालूम किए। इस संबंध में वहाँ मुकदमा दर्ज है, जो कि यहाँ पर ट्रांसफर किया जा रहा है। इसमें और वो कुछ भी चीज़ें हैं कि इसमें वो संपर्क में नहीं किया हुआ, इसमें भी विवेचना चल रही है।